तो इंदौर का रुख करते हैं, जहां इंदौर नगर पालिक निगम पर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। इंदौर नगर पालिका निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम घोटाले और टैक्स बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। 2 एडिशनल SP, 4 SP RAF मौके पर मौजूद है। 10 थानों का पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के पहले कार्यकर्ताओं ने गिराए पुलिस के बैरिकेड्स। तो इंदौर में जंगी प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी तादाद में प्रदर्शन के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। मंच पर कांग्रेस नेता अरुण यादव, रवि जोशी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का इंतजार हो रहा है। तस्वीरें अब आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर से आई है, जहां निगम घोटाले और टैक्स बढ़ाने को लेकर ये प्रदर्शन इंदौर में हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लंबी तादाद में आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। निगम घोटाले और टैक्स बढ़ाने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें 10 थानों का पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें निगम घोटाले और टैक्स को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड्स भी तोड़ दिए हैं। और हमारे मुकेश भाई का भी बहुत बहुत अभिनंदन। नगर निगम में लगातार हो रहे घोटाले और जलकर संपत्ति कर को बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस आज एक जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ बनने के बाद में जीतू पटवारी का उनके गृह क्षेत्र में यह पहला प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारियां की। कांग्रेस का दावा है कि लगभग 10,000 कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। हालांकि यहां जो बैठक व्यवस्था की गई है वो लगभग आप देखेंगे लगभग करीब 3,500 कुर्सियों की यहां पे व्यवस्था की गई है। कांग्रेस का कहना है कि इसके हक में खड़े होंगे। इस पूरे प्रदर्शन के लिए काफी मुस्तैदी के साथ में पुलिस भी मैदान में आ चुकी है। पुलिस यहां पर इस वक्त काफी बल लगाया गया है, साथ में 2 एडिशनल SCP, 4 SCP और 10 थानों का बल लगाया गया है। इसके लिए यहां पे पुलिस की फोर्स के साथ में, थानों के बल के साथ में RAF रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात है। वज्र लगाया गया है और पूरी तरीके से पुलिस यहां पर तैनात है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है, काफी चार्ज है और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि लगातार 2 साल से जब से इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव बने हैं, जब से लगातार यहां घोटाले हो रहे हैं, शहर सफाई में पिछड़ रहा है, लगातार शहर में जनता पर नए कर लगाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस अब से कुछ देर बाद में जंगी प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH24/7 इंदौर।